नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में दिन दिहाड़े लुटेरों ने ग्राहक सेवा केंद्र को बनाया निशाना, 90,000 की नकदी लूट हुए फरार। संगरूर के गांव बगरोल निवासी 43 वर्षीय जवान की रामगढ़ रांची में ड्यूटी के दौरान हुई मौत, गांव में हुआ अंतिम संस्कार। अमृतसर टी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अयोध्या में लंगर के लिए 1,000 किलो चाय पत्ती श्री दुर्गियाना कमेटी को सौंपी। दुर्गियाना कमेटी करीब 1.5 महीना अयोध्या में लगाएगी लंगर। अब हलचल विस्तार से। अमृतसर में दिन दिहाड़े एक ग्राहक सेवा केंद्र जो कि स्टेट बैंक का था, उसमें से पिस्तौल व दातर की नोक पर 90,000 रुपयों की लूट का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी वरिंदर खोसा ने बताया कि सुबह बटाला रोड पर 50 नंबर पिलर के नज़दीक स्टेट बैंक का एक ग्राहक सेवा केंद्र है, जहां पर 3 लुटेरे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उनके द्वारा दुकानदार को पिस्तौल व तेज धार हथियार दिखाकर लगभग 90,000 रुपयों की नकदी लूट ली गई। उन्होंने बताया कि उस समय अकेला दुकानधारी वहां मौजूद था। फिलहाल वे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ए जी थाना सदर दे बटाला रोड से पिलर नंबर 50 के सामने SBI बैंक की एक छोटी जी स्मॉल इहदी ब्रांच है जी, जिस विच ये छोटा 10,000 तक का कोई लेन देन वगैरह कर सकते हैं। ये दुकान पर कला एक शख्स जिसका नाम प्रेम कुमार है 2016 तो दुकान कर रहा। अज करीब 1 बजे 3 नौजवान दुकान पर आते हैं जो कि हथियारों की नोक पर उसको डराते हैं। तकरीब जो इन्होंने वालों दसया गया कि 70-80 हज़ार रुपया इस को लुट के लै जाते हैं। सर किन्ने जने कहते आए थे? ये हज तक जो इन्होंने कहने के मुताबिक है जी 3 जने मोटरसाइकिल आए सन, बाकी अगर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है वो अभी देख रहे हैं जी। अगर हाँ जी, उन्होंने हथियार भी सी। हाँ जी, अजय जांच कर रहे हैं जी, सीसीटीवी आस पास तो भी अंदर। हाँ जी, उन्होंने कोई देसी पिस्टल टाइप भी दस रहे हैं जी। संगरूर के गांव बगरोल निवासी 43 वर्षीय जसपाल सिंह रामगढ़ रांची में अपनी ड्यूटी दे रहा था कि उसके दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जहां जवान ने 2 दिन के लिए छुट्टी पर अपने घर आना था, लेकिन उसका पार्थिव शरीर उसके गांव पहुंचा। जसपाल सिंह 23 वर्ष से फौज में नौकरी कर रहा था और उसकी ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई। उसके 2 बच्चे, 1 बेटा और 1 बेटी है। जैसे ही जवान की मौत की खबर उसके गाँव पहुंची तो गाँव में मातम का माहौल छा गया। इस दौरान गाँव के लोगों और फौज के जवानों द्वारा शहीद को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान लोगों ने कहा कि ये उनके लिए बहुत दुखदायी खबर है और गांव तथा परिवार को बहुत बड़ा घाटा पड़ा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। बहुत ही मदभागी घटना जी साडे नगर नाल वापरी है। परमात्मा यह जी मदभागी घटना अगे बारे ना वरतावे। साडे बहुत ही होनहार साडा छोटा वीर हौलदार जसपाल सिंह सानू सदीवी विछोड़ा दे गया, तो बहुत ही चंगा सुभा सी। पिछे एक बेटा है छोटा जहा, तो एक गुड़ी है जो कि 18 साल की है, तो माता पिता ने तो उन्हों का ब्रदर है अपना छोटा उन्होंने तो, जिहड़ा कि वह पिछे छड़ के परमात्मा दे चरणों के जा विराजमान हुए ने, तो परमात्मा उन्हों की आत्मा शांति दे, परमात्मा परिवार को भाणा मनण का हुक्म बख्शे। तो मैं बहुत ही दुखदाई घटना जो साडे नगर नाल वरती है जी। अमृतसर टी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अयोध्या में लंगर के लिए 1,000 किलो चाय पत्ती श्री दुर्गियाना कमेटी को सौंपी। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान श्री दुर्गियाना कमेटी की ओर से करीब 1.5 महीने तक लंगर चलेगा, जिसमें शहर की कई संस्थाओं ने सहयोग दिया। तो वहीं गत दिवस अमृतसर टी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी अपना योगदान देते हुए 1,000 किलो चाय पत्ती श्री दुर्गियाना कमेटी को सौंपी। एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र गोयल के नेतृत्व में एसोसिएशन के सदस्यों ने उक्त चाय पत्ती श्री दुर्गियाना कमेटी की प्रधान लक्ष्मीकांता चावला, महामंत्री अरुण खन्ना तथा उपाध्यक्ष सुधीर श्रीधर को सौंपी।
इस मौके पर राजेंद्र गोयल रुपेश गोयनका ने बताया कि करीब 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम अपने स्थल पर विराजमान होंगे। सभी के जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता, जिसमें हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपना सहयोग कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि चूंकि श्री दुर्गियाना कमेटी करीब 1.5 महीना अयोध्या में लंगर लगाएगी, इसलिए उसमें चाय पत्ती का योगदान टी ट्रेडर्स एसोसिएशन का रहेगा। एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने इसमें उत्साह के साथ सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि लंगर के दौरान और भी चाय पत्ती की जरूरत हुई तो एसोसिएशन वे भी सेवा निभाने को तैयार है। इस अवसर पर श्री दुर्गियाना कमेटी की प्रधान लक्ष्मी कांता चावला ने कहा कि अयोध्या में 14 जनवरी से 28 फरवरी तक लंगर की सेवा मंदिर कमेटी को मिली है। कमेटी ताज़ा सब्जी, फल तथा चीनी अयोध्या से ही खरीदेगी, जबकि बाकी सारा सामान यहाँ पर एकत्रित किया गया है। 9 फरवरी को लंगर सामग्री के ट्रक अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जबकि लंगर कमेटी के चेयरमैन गुलशन कोहली, श्री अमरनाथ में लंगर की सेवा करने वाले पवन साबू तथा खत्री सभा के महासचिव सुनील खन्ना सारे काम की देखरेख करेंगे। हालांकि समय समय पर मंदिर कमेटी के सदस्य तथा श्रद्धालु लंगर की सेवा के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एसोसिएशन की तरफ से राम अयोध्या में जो लंगर दुर्गियाना प्रबंधक कमेटी की तरफ से लगाया जा रहा है, उसमें अपना योगदान डालते हुए 1000 किलो 1 टन चाय हमारी तरफ से इनको भेंट की गई। एसोसिएशन के तमाम सदस्यों ने इस योगदान में सहयोग दिया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। खासियत यही है कि यहाँ का व्यापारी वर्ग हर नेक काम में तन मन धन से सहायता करता है। अब भगवान श्री राम जी का जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उसके लिए श्री दुर्गियाना कमेटी की ओर से लंगर लगाया जा रहा है और जो चाय आज सबकी जरूरत है सर्दी में विशेषकर, तो लंगर में चाय प्रसाद सबको मिलता रहे, उसके लिए टी ट्रेडर्स एसोसिएशन इतनी बड़ी मात्रा में चाय देने आई है। राम जी की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई। हम याद रखें, हम भाग्यशाली हैं, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, 3.5 लाख लोग शहीद हुए और उन्होंने भवन टूटते देखे, मंदिर टूटते देखे। हम उस पीढ़ी में हैं जिसकी किस्मत बड़ी अच्छी है स्वतंत्र भारत में, और हमारा नेतृत्व श्री मोदी जी के द्वारा, और आज हम मंदिर बनते देख रहे हैं, मंदिर में रामलला को आते देख रहे हैं। इंतकालों को लेकर पंजाब भर में स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। पंजाब भर की तहसीलों और सब तहसीलों में ये स्पेशल कैंप लगाए गए हैं, जिसके चलते अजनाला में भी विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल विशेष तौर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौके पर जाकर लोगों से बात की और अधिकारियों को हिदायतें दी कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पेंडिंग इंतकालों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार वचनबद्ध है और आने वाले समय में भी ये कैंप इसी तरह से जारी रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग अधिक से अधिक तहसीलों के अंदर आएं। जिन लोगों के इंतकालों में किसी कारण किसी चीज की कमी है या इंतकाल नहीं हुआ है, वे कार्यालय में आए और विशेष कैंपों में आकर पटवारी और तहसीलदारों के सीधे तौर पर बातचीत कर अपना इंतकाल करवाएं। उन्होंने कहा कि करप्शन को बहुत जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। करप्शन जड़ी है, देखो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੰਦ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ, ਗੁਰਦੌਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਤਕਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ
सारिया तहसीलों के पंजाब कैंप लगे और मैं वो कैंप देखने आया सीगा और बड़ी खुशी हुई है कि इन्नी ठंड के बावजूद भी हुण तक 50 बंदे जिन्हां दे इंतकाल बकाया सीगे वो करा गए शाम तक मैं लगता कि मतलब 150 दे लागे मतलब जिहड़ा चल जूगा काम। सो मेरी तुहाडे दा ही बेनती है जिहड़े भी कोई सज्जन सुणदे आ कि जे किसी का भी कोई इंतकाल रहिंदा अज भी आउण कल परसों भी आके अजनाले साढ़े तहसीलदार साहब को आके साढ़े SDM साहब को आके साढ़े गरदौ साहब को आके और पटवारी साहब को आके अपना इंतकाल जरा कंप्लीट करो। चिंतपुर्णी सेवा समिति की तरफ से 6वीं विशाल श्री बालाजी की चौकी का आयोजन सोडल चौक में बड़ी ही श्रद्धापूर्वक किया गया। इस बालाजी की चौकी में भजन गायिका अंजलि द्विवेदी एंड पार्टी ने श्री गणेश वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत करते हुए देर रात तक बालाजी के भजनों से भक्तों को झूमने पर विवश किया। भजन संध्या में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, लोकसभा प्रभारी अश्विनी अग्रवाल बिल्ला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तथा एक्सपोर्ट के वाइस चेयरमैन दिनेश ढल, आप नेता राजू मदान, चंदन गरेवाल, एडवोकेट संदीप थापर, एडवोकेट अनिकेत थापर, श्री देवी तला मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बालाजी के संकीर्तन के दौरान श्री सालासर बालाजी, श्री मेहंदीपुर बालाजी तथा श्री खाटू श्याम जी के तीनों दिव्य अलौकिक शक्तियों के दर्शन एक साथ भक्तों ने उपस्थित होकर किए। इसके अलावा श्री बालाजी को 56 भोग, राजभोग, फलों का प्रसाद, 101 किलो के लड्डू का भोग, पान भोग तथा महाप्रसाद का भोग लगाकर भक्तों के बीच वितरित किए गए। इस आयोजन में जिले के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित गणमान्यों ने भाग लेकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर हिमांशु, कृष्णा, दिवेश कपूर, विमल, प्रथम, वंश, गगन, करण, भुवन, अमित, रजत, आर्किन, संजू, सौरभ कपूर, सचिन, साहिल, साहिल ढिल्लो भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रसाद रूपी लंगर भी भक्तों में वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। महावीर विक्रम पंचम की मदिलार सुपत के सभी पंचन बरन विराज सुबे सारन कुंडल कुर्चित के सा हाथ बच्चियों ध्वजा पुराज होता देव शंकर सुमन केसरे पिंजरा पोल गौशाला की ओर से गो सेवा का संकल्प अभियान के चलते फोकल पॉइंट स्थित गौशाला परिसर में गो सेवा में 4 परिवारों द्वारा गाय सेवा का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर फोकल पॉइंट के प्रधान संदीप खोसला ने कहा कि शहर में जो भी गो माता लाचार अवस्था में घूम रही है, जैसे जैसे गो प्रेमी अपना योगदान देते हैं, वे शहर की गो माता को अपनी गौशाला में लेकर आएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा दिन होगा जब शहर में कोई भी लाचार गौ नहीं मिलेगी। गौ माता की सेवा करने मात्र से ही इन सभी की सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। एक गौ माता की खुराक का खर्च प्रतिदिन 70 रुपयों के हिसाब से केवल 2100 रुपये प्रति माह है।
जो कि प्रत्येक परिवार बड़ी आसानी से गौ सेवा के निमित्त गौशाला में देकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये सेवा केवल गौ भक्तों के आर्थिक सहयोग से ही संभव हो रही है तथा इस समय गौवंश की समुचित सेवा संभाल हेतु बजट गड़बड़ा गया है, जिसके लिए अब सभी दानी सज्जनों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी से गौ सेवा के संकल्प अभियान से जुड़ने की अपील की। इस अवसर पर नितिन अग्रवाल ने एक, सुमित महाजन ने एक, मनु शर्मा ने पांच, गौरव अग्रवाल ने एक, कुल आठ गायों को पंडित हरीश शास्त्री जी ने पूर्ण विधि विधान से पूजन कर गोद लेकर उनकी सेवा का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर गौरव अग्रवाल ने कहा कि अगर ऐसे गो प्रेमी आगे आते हैं तो जैसे जैसे गो पूजा बढ़ेगी वैसे ही गो हत्या भी रुकेगी। उन्होंने लोगों से इस पुण्य कार्य में बढ़ चढ़ कर शामिल होने की अपील की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। मैं बड़ा धन्यवादी हाँ अमृतसर पिंजरा बोल गौशाला का, जिन्होंने मैनू यह सेवा का मौका दिता, गौ माता दी गोपाला जी की सेवा का। अज उन्होंने मेरे को संकल्प करा के मैं अपने सब परिवार इतने आया ताकि आप जे साडे ठाकुर जी दी गोपाला जी है असी उन्हां दी सेवा कर सकीए। ते नाल मैं अपने अमृतसर दे अपना वसनीकां नूं भी बेनती करांगा कि तुसी इस अभियान दे विच मेरे नाल जुड़ो। प्रणवल जी दे नाल, संदीप खोसला जी दे नाल, साडे गौशाला दे प्रधान संतोष गुप्ता जी दे नाल जुड़ो ताकि असी वध तो वध अपने सनातन धर्म का प्रचार करिए। असी जिहड़ी मुहिम कीती सी कि अमृतसर नूं असी जी लाचार गौ मुक्त करना, जिहड़ियां लाचार गावां वो असी अमृतसर दे विच साडी कोशिश है कि ना रहन। सानू अमृतसर दे लोक साडा बहुत सहयोग आ रहे हैं, जिस तरह पिछले संडे, उस तो पिछले संडे प्रोग्राम होया, अज फिर अठ लोग अठ गावां गोद लीतियां गईयां, जिहदे नाल कि गौ सेवा दे विच बड़ा ज़्यादा योगदान मिल रहा है। असीं तो यही चाहते हैं कि गौ रक्षा नालों भी ज़्यादा जरूरी है गौ सेवा। गौ रक्षा तो ही हो सकती है जो असीं गौ सेवा करिए। यह नहीं कि असीं गौ रक्षा करते करते गावां नूं सड़कां ते चार दिए भुखे मरने वास्ते। सानू जिन्नी भी गौ रक्षा हैगी है वह गौ सेवा नाल ही संभव है। इस करके साडी कोशिश यही है कि गावां नूं गौशाला विच लिआंदा जाए तो उन्हां माता की जय। अज तीसरा इतवार है जिहड़ा असीं प्रभु के आशीर्वाद नाल अश्वमेव यज्ञ शुरू किया। प्रभु ने जिहड़ी साडी जिम्मेवारी लाई सी असीं उहदे विच देखिआ कि सारे इंडस्ट्रीज व्यापारी बहुत ज़्यादा वध चढ़ के भाग लै रहे हैं। मैं तो इन्नी इमोशनस लोगों की देख के बड़ा हैरान होया और ऐसा रुझान प्रभु चेतना कितना पैदा करता लोगों के विच कि लोग एक गऊ, पांच गऊ, ग्यारह, इकवंजा गऊँ भी लैन वाले, गोद लैन वाले साढ़े को इंडस्ट्रीज आए हैं और अगे वध के लोग ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं समझना कि बहुत वड्डी गल है और ये कर्मा वाले नूं सेवा मिलती है जिन्हां नूं चेतना आई है जिहड़े इस अशमी जग से जुड़े है। प्रभु उन्हां नूं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करन। मनमोहन सिंह सब्रवाल जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जाविराज हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास गुरुद्वारा सिंह सभा मॉडल हाउस जालंधर में की गई। इस दौरान कीर्तनी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय मनमोहन सिंह सब्रवाल की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस अवसर पर पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचरण सिंह बरसठ, बीबी जसबीर कौर, कुलदीप कौर कंग, बलबीर सिंह चीमा, मनप्रीत सिंह सैनी, अमरजीत सिंह मिंटू, हरजोत सिंह लक्की, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, राजीव टिक्का, रोनी, इंद्रजीत सिंह स्टेज सेक्रेटरी, आत्म प्रकाश सिंह बबलू, आप नेता शोभा भगत, बंटू सब्रवाल सहित पारिवारिक सदस्यों में इंद्रपाल सिंह, इंद्रजीत कौर, जतिंदर पाल सिंह, अमरदीप कौर, गुरिंदर पाल सिंह, किरण प्रीत कौर, मनमीत सिंह, इरविन दीप कौर, अरविंदर कौर, नरेंद्र पाल सिंह, अजय वीर सिंह सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय मनमोहन सिंह सब्रवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਵਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ, ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜੌਨੀ ਜੀ, ਛੋਟੂ ਜੀ, ਮਨਮੀਤ ਬੌਬੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜਿਓਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਭਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਜੇ ਮਹਾਜਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਰਸਮ ਕਿਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪੰਡਿਤੋਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਕਾ ਭੋਗ ਡਾਲ ਕਰ ਸਵਰਗੀ ਵਿਜੇ ਮਹਾਜਨ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੇਤੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਓਂ ਮੇਂ ਪਤਨੀ ਸੁਧਾ ਮਹਾਜਨ, ਅਪਾਰ ਮਹਾਜਨ, ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਮਹਾਜਨ, ਧੀਰਜ ਮਹਾਜਨ, ਰੋਹਿਣੀ ਮਹਾਜਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਮੰਜੂ ਮਹਾਜਨ, ਆਰਵ ਮਹਾਜਨ, ਆਰਿਵ ਮਹਾਜਨ, ਅਵਿਰਾਜ ਮਹਾਜਨ, ਅਨੰਨਿਆ ਮਹਾਜਨ, ਆਯਾਨ ਮਹਾਜਨ ਸਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਥਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਸੇ ਜੁੜੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਵਰਗੀ ਵਿਜੇ ਮਹਾਜਨ ਕੋ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਓਂ ਪਰ ਏਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁਟੇਰੋ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, 90,000 ਕੀ ਨਕਦੀ ਲੂਟ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ ਗਾਂਵ ਬਗਰੋਲ ਨਿਵਾਸੀ 43 ਵਰਸ਼ੀਏ ਜਵਾਨ ਕੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰਾਂਚੀ ਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਹੁਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਮੇਂ ਲੰਗਰ ਕੇ ਲੀਏ 1,000 ਕਿਲੋ ਚਾਏ ਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਸੌਂਪੀ। ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਅਯੋਧਿਆ ਮੇਂ ਲਗਾਏਗੀ ਲੰਗਰ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਅਬ ਤੱਕ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਤੀ ਹੈਂ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਹਲਚਲ।